ये व्लॉग शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग काफी होगा, इसलिए एंड तक देखना मत भूलना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल निकाल। ऐसा लग रहा है कहीं कश्मीर वश्मीर में आ गए हम। I'm a freak in the sheets, back a clouds. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Well, very good morning, guys. आज जा रहे हम एक और संडे राइड पे। अभी मेरे साथ एक बेनली TRK और इम्पल्स, जो पुराने वाली बाइक थी ना वो। भाई पता ही लग रहा है ऑफ रोडिंग जा रहा है या फिर राइड पे जा रहा है। ये हैं अपने मिस्टर डाकू, रिगार कस्टम वाले। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:16 और काफ़ी मस्त वेदर हो रखा है और मज़ा ही अलग आ रहा है बाइक चला रहे हैं ना। यहीं पर चाय वाय पीने रुकते हैं, फिर आपको मिलता है। आज है फ्रेंडशिप डे और आज हम निकल चुके हैं राइड पे। तो हमारे साथ है एक बेनेली TRK 502X, एक्सपल्स, BMW 310 GS, फिर हमारी ADV, फिर इम्पल्स, फिर मोजो जिसमें मिट्टी डाल दी गई थी किसी ने। एक्सपल्स चला रही है, वो चला रही है हिमांची। तो मैं नीनू नाम जानता हूँ इसको अच्छे से। तो चलो अभी चलते हैं आगे, अभी हम लोग चाय वाय पी रहे हैं फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। आज आज हमारे डाकू भी है। भाई तू ऑफ रोड करने जा रहा है, राइड करने जा रहा है, मजाक लगा रखा है तुमने। वो भैया वेट कर रहे हैं, टेक ऑफ करेगा भाई। देखो बूट वूट पहन के बराबर है। तो आज हम लोग जा रहे हैं हर्षनाथ, हर्षनाथ ही है ना जगह। तो और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और कल हमारा बर्थडे, उससे पहले पता नहीं 2 लाख होंगे या नहीं होंगे, बट जो भी होगा देखा जाएगा। अभी चलते हैं आगे। I'm a pretty boss, look on my shit bright voice. I'm a freak in the sheets, back a clouds. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Boom, boom, boom. चलो जी। सो अभी हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है 91 किलोमीटर फ्रॉम हियर, हर्षनाथ पर्वत। यहाँ पे काफ़ी सारे विंड मील हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम ये व्लॉग 2 पार्ट के अंदर बनाएंगे जिससे हम आपको सारी चीज़ें दिखा पाएँ। और आज है फ्रेंडशिप डे भाई, और फ्रेंडशिप डे के दिन नहीं अपन लोगों ने बेनेली TRK ली थी, मतलब मेरे बर्थडे के दिन 3 अगस्त के दिन। काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई आज, खेल के हवा लग रही है ठंडी ठंडी। तो यार ऑफ रोडिंग बहुत दिखा दी, अब थोड़े दिन कुछ नया करते हैं, हाईवे की राइड करते हैं। और आप लोगों को कुछ प्लान बहुत सारे हैं आने वाले टाइम पे, आप लोगों को पता लग जाएंगे। तो गाय रिगाल कसम इसी का है भाई, कोई भी गाड़ी वाड़ी रैप करानी हो, हेलमेट वेलमेट रैप कराना हो, भाई से जाके बात करो, डिस्काउंट विस्काउंट चाहिए तो अपना नाम ले लेना। ये है नीनू, आप लोगों को लग रहा होगा लड़का है बट ये भाई साहब लड़की है, खतरनाक एक्सपल चलाते हैं हमारी लड़की। तो ये है चोमू रोड, जो आप कभी कभार यूज करते हो, चोमू है क्या वो वाली रोड है ये। तो चोमू हमारे जस्ट पीछे रह गया है और अभी हरमन क्या लीड कर रहा है क्योंकि उसने गूगल मैप लगाया हुआ है। आज भाई का बैग गिर गया था, ये पता लगा पीछे बैग उछलता हुआ आ रहा है। एक दो दिन ये बाइक अपने पास रहने वाली है, डोंट वरी गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा इस पे भी एक वीडियो। तो आज इस हाईवे पे ना गाय वाय कुछ ज़्यादा ही है भाई, तो अगर आप इस हाईवे से निकलो तो थोड़ा सेफली। लोगों को बता दूँ आज हमारी TFT का कलर चेंज नहीं होगा, मैंने अब इसको ब्लैक कर दिया, ब्लैक ही रहेगा ये। और लास्ट राइड के बाद क्या टेडी नाराज़ हो गया क्योंकि टेडी को बहुत ज़्यादा दचके लगे ना गड्ढों में उछल उछल के ऑफ रोडिंग के बाद। तो आज टेडी पूरे दिन सोएगा, आज बोलेगा नहीं टेडी, अब टेडी बर्थडे के बाद ही बोलेगा। है हमारे मिस्टर मुदित सिंह खूब रीगल राइडर, आज हमारे साथ रीगल कस्टम और रीगल राइडर दोनों साथ हैं। बम में हो दर्द तो ऐसे ही करने का इस, और जब दिमाग में हो खुजली तो वो लेना चाहिए आप लोगों को। काहे भिन भिना रहे हो रे बाबा? बबलू पेट्रोल भरा रहे हैं। अच्छा बबलू भैया पेट्रोल भरवा रहे हैं क्या? बबलू भैया BM बबलू वाले आ गया आ गया। तो
तो यहाँ से सीकर आप दिखा रहा है 55 किलोमीटर, खाटू श्याम जी दिखा रहा है 21। सो ये खाटू श्याम जी वाला रोड है आई गेस। हम लोग हर्ष पर्वत खाटू श्याम जी वाली रोड से जा रहे हैं, सीकर होते हुए नहीं जा रहे। हम लोगों ने सोचा थोड़ा डिफरेंट रूट ले लेते क्योंकि उस वाले हाईवे पे ना गाय वगैरह ज्यादा आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने वो रास्ता अवॉइड कर दिया और गूगल मैप पे जो दूसरा रास्ता दिखा रहा था हमने वो चूज कर। और जितने क्या है छोटे रास्ते होते हैं ना वो उतने ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। हाईवे तो क्या है, हाईवे पे रोड रोड दिखेगी आपको, ऐसे ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी ना। और जैसलमेर भी चलेंगे वापस जल्दी, टेंशन मत करो, जैसलमेर में मजा ही अलग आ जाएगा भाई। मैं बता नहीं सकता ना कितना अच्छा अच्छा लग रहा है अभी भाई। अच्छा डिसीजन था हाईवे छोड़ने का, क्योंकि देखो रोड पे ये चीज देखने को नहीं मिलती, ग्रीन ग्रीन ना। वीडियो में एक यार चांद लग जाते हैं जब ऐसी ग्रीनरी मिल जाती है ना पूरे सुपर व्यू के अंदर, देखो क्या मस्त आ रहे होंगे ना। ये रास्ता बिल्कुल सेफ है ना, इसमें कोई गाय आ रही है ना कोई भैंस आ रही है ना कोई बकरी आ रही है। ये देख रहे हो हमारी लड़की क्या बढ़िया बाइक चला रही है, मजेदार शानदार जबरदस्त। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है और अगर आपने ये नहीं करा तो आपके पैसे बर्बाद है भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बर्बाद है आपके पैसे। अगर आप इस पे भी एक अलग ही फील आता है हवा खाने का, मजेदार। मैं कहता हूँ जब से मैंने एडवेंचर लिया और जब से मैं ऑफ रोड पे जाने लगा हूँ ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ मुझे हाईवे पसंद ही नहीं आता, बोरिंग लगता है मेरे को हाईवे पे बाइक चलाना। शाम मंदिर पहुँच चुके हैं और अभी अंदर जाना तो वैसे ही बंद होगा क्योंकि आप लोगों को बताया, मतलब ये चीज़ शायद आप लोगों को हाईवे पे देखने को नहीं मिलती ऐसी ग्रीन ग्रीन। कोई बात नहीं, हम दिखा रहे हैं ना आपको, टेंशन न को। ये चीज देखो ना यार कहाँ पे दिखती, ग्रीन ग्रीन रोड उसके बीच में हम। हमारा फॉर्मेशन एक ऐसा रहता है, एक राइट में फिर लेफ्ट में फिर राइट में फिर लेफ्ट में फिर राइट में फिर लेफ्ट में। तो तू आगे चल रहा है, तेरा छोट देख कितना बड़ा बैग लेके आया, बैग देख कितना बड़ा है, इतना बड़ा बैग लाएगा तो गिरेगा ना बार बार, तू मैग्नेट पे लगा के रखा है बस देगा फिर तो ऐसे कितनी बार भाई ये देखियो इसमें सिर्फ है ना मैग्नेट है पर ये डीएसएलआर हो रहा है इसमें। सुनो मेरे को दे दो मैं टैंक पे लगा लेता हूं। एवरीथिंग्स गुड, ऐसे वाले हैं भाई। ओ ट्राइपॉड गया गया टूट गया एक पैर के, देखो इसके फ्रैक्चर हो गया, चल इसको एसएमएस लेके चलते हैं लग जाएगा ये तो लग जाएगा ना कौन लग जाएगा कौन का लग जाए कौन कहता है जॉब ही नहीं टूटता कैसे लगाएगा मेरा मेटल। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सांबर जा रहा हूँ। यहाँ से मुझको ना विंड मिल्स दिख चुके हैं बहुत सारे, आप लोगों को बॉयज उड़ रहे हैं फुल ऑन रॉकेट। यार हेडलाइट ग्रिल तो ना लगवानी पड़ेगी गाइस, क्या बात है चारों तरफ खुला खुला है सब कुछ, क्या व्यू आ रहा है ना, मतलब मस्त। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना काफी अच्छा व्यू आ रहा है, तो अभी मैंने क्या किया हरमन वगैरह को कॉल किया, वो वापस आ रहे हैं, आ जाने दो उनको आ जाने दो। तो अभी अंदर अपना एक्सप्लोर करके आएंगे कि जगह कैसी है, आराम से चलना, उड़ता तीतर मत होना, गड्ढे वड्ढे होते हैं अंदर, चल अरे इससे दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ये पत्थर उछालेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई डैम वगैरह है उसी का रास्ता है ऐसा, ऐसी चीजें एक्सप्लोर करने में मजा ही अलग आता है। मस्त जगह है ना यार, भाई की आंखें गलत नहीं हो सकती यार, देखो क्या मस्त जगह है, ऐसा लग रहा है इंडिया में तो हो ही नहीं आप। तो थोड़ा और बीच तक चलते हैं और मजा लेते हैं जगह।
भाई इसमें क्यों फंसा दी, क्या बात हो गई? अच्छा अच्छा ले तू बैठ, निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकाल निकाल, एक मिनट एक मिनट, मैं रेस दूंगा। हाँ तू धक्का देना हेलमेट मुझको, नीचे रख दे नीचे रख दे। अरे रुक तो जा। हाँ अब रुक जा रुक जा, आगे तक खींच। 1 2 3 1 2 3 क्यों फंसाई थी? ये देखो क्या कर दिया बाइक का। शांति हो भाई, ड्रोन शॉट अच्छा आएगा आगे। हाँ है ना, इधर क्यों फंसाई तूने? ये तेरे पीछे आ रहा था, ये तेरे पीछे था क्या? आगे था मेरे से। बाकी जगह रिस्की है, गड्ढे हैं बीच में घास में। ऑलराइट, तो ये लोग तो काफ़ी आगे निकल चुके थे, हम लोगों को उस पहाड़ पे जाना है जहाँ पे विंड मिल दिख रहे होंगे, शायद पता नहीं दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे। तो ये खाली एक मैदान है, मुझे लग रहा है डैम था और इसमें पानी भरा नहीं है। तो क्या XA7 के ना अब थोड़े कलर दिख रहे हैं अच्छे से, तीतर तीतर आ रहा। अभी का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर और रुकेंगे, फोटो सेशन वगैरह करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे आगे की तरफ। जहाँ पे हम जा रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, 20 से 30 किलोमीटर होगी, फिर वहीं पे ये वीडियो एंड कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर देंगे। हम लोग चलते हैं आगे और आपको मिलता हूँ बाइक पे। तो फाइनली सांबर लेक के बाद आज एक और लोकेशन मिली है जहाँ पे आने वाले टाइम पे हम कैंपिंग करेंगे। तो नई लोकेशन मिल चुकी है कैंपिंग के लिए, आराम से चलना कि व्यू देखो आप सामने। हम अभी कहीं वहाँ पे थे, वो खाली मैदान दिख रहे हैं आप लोगों को, मुझे थोड़ी थोड़ी नाहरगढ़ जैसी फीलिंग आ रही है। उस बैंगलोर मुंबई दिल्ली से देख रहे हैं ना, और भी कहीं से देख रहे हैं, आओ आपका भाई घुमाएगा आपको। और मतलब कि इन दिनों मैं ऐसी जगह ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं नहीं गया हुआ हूँ। कॉर्नरिंग ABS का भी अलग ही मजा है भाई। अभी हम लोग उस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, हर्षनाथ टेंपल है वहीं पे बैठेंगे और ये वीडियो अलग ही लेवल की ग्रीनरी हो रखी है यार इधर, तो देखो 6 किलोमीटर। ओके गाइस, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके आगे नेक्स्ट देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशंस पे ऑल कर सकते हो, आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो चलो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट पार्ट में।